क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप, 0 Mile NH 31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल। राष्ट्रमंडल सचिवालय की ओर से जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 120वां, बी 121वां, सी 122वां या डी 123वां। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नारायणपुर अमरी विशनपुर से नाथनगर आ रही नाव चंपा नदी में पलटी, 10 से अधिक लोग थे सवार। लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर से नाथनगर के अधिकांश पंचायतों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए प्राइवेट नाव का सहारा ले रहे हैं। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के चंपा नदी में एक प्राइवेट नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव में सवार सभी लोगों को पास में उपस्थित दूध विक्रेताओं ने फौरन नदी में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के कई गांव बाढ़ग्रस्त हो गए, जिसके कारण सभी पलायन कर रहे हैं। इसी दौरान करीब 10 लोग प्राइवेट नाव से अपने घर अमरी बिशनपुर से सुरक्षित रहने के लिए नाथनगर स्थित मिर्जापुर आ रहे थे। तभी नाथनगर चंपा नदी के पास पहुंचते ही नाव अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण सभी लोग डूब गए। साथ ही नाव पर सवार बकरियां, भेष, अनाज, साइकिल इत्यादि सब डूब गए। तभी मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो फौरन उन लोगों ने नदी में छलांग लगाकर सभी को बाहर निकाल लिया। नाव पर सवार रूबी देवी, कैलाश यादव, सीता देवी, रोहित कुमार, सोहित कुमार, ब्यूटी कुमारी, अनोखा कुमारी, अंशिका कुमारी, आदो कुमार, भूला कुमार सवार थे। घटना की सूचना पर पहुंचे नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन दलबल के साथ पहुंचे और इलाज के लिए नाथनगर रेफरल हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं डिप्टी चेयरमैन आरती कुमारी, पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, प्रदीप यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सर वहाँ से नाम लिए लाए सुतार का अपना पर धरबे गाड़ी पर बस लाओ एकदम साफ एक आए धक्का मार को उल्टी। आप लोग नजदीक आ गए थे उतर? हाँ योजना बुलाक जैसे नाथनगर बुलाक गाड़ी करी जैसे। सर कहाँ से आ रहे थे आप लोग? अमरी बिशनपुर से, दूध आती मिर्जापुर। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। क्या मतलब कौन कितने लोग सवार थे नाव पे? क्या लोग नाव पर रहिए? 7 गो बच्चा रहे सर, आरो पति हमर रहे सर, दो गोतनी, सात या आठ आदमी अपन रहिए, 4 गो फालतू रहे, मिला जुला 10 गो है। तो कैसे बचाए, कैसे सब लोगों, कितना बच्चा था नाव पे सवार? बचले 3 गो, हमरा गोतनी और बच्चा रे बेटी, तो बचले 4 गो लड़का। हमरा जो धन है घिसल के हमरा ऊपरे साथ कोई बगल से हमर गोतनी भी पास चले ई बगल से। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? रूबी देवी सर। यहाँ भी उतरती है बस, यहाँ घूमने लाभ खींचवा है बस, तू खींची दिल है बस, यहाँ पे हमारे भी बजरी ले बस गोती दिल के। क्या लोग चले? मैं चलिए घटा हाथ दो गो रहे, 6-7 गो बच्चा रहे, 8 गो सब मिला 10 गो 12 गो आदमी का कर लो 10-12 आदमी सब निकल गए। हाँ सब निकल गए। पशु का टूट ले पशु 6 गो मरे अभी नाव पर है, 4-5 गो मरा हुआ अंदर में, 4 गो 1-5 गो 6 पशु मरे। ठीक की नाम बितलो? कैलाश। बढ़िया कैलाश ज्यादा घर कौन से? घर मिर्जापुर बोला। ठीक जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194, 7004826539। बाढ़ पीड़ितों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के पास किया जमकर हंगामा।
भागलपुर अब पूरी तरह से बाढ़ की मार झेल रहा है। इस बीच कई इलाकों से बाढ़ पीड़ित यूनिवर्सिटी कैंपस में शरण लेने के लिए आए हैं, लेकिन कल रात हुई भारी बारिश और जल स्तर में वृद्धि के कारण कैंपस पानी में डूब चुका है। बाढ़ पीड़ित सुविधा के अभाव में आकर भड़क गए और आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों ने यूनिवर्सिटी मुख्य मार्ग को जमकर हंगामा किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया कि जब सीओ साहिबा को हमने कॉल किया और अपनी समस्या बताई तो सीओ साहिबा कहती हैं कि तुम लोग हर साल पिकनिक मनाने आ जाते हो। इस पर जब हमने सीओ साहिबा से सवाल किया तो उन्होंने इस आरोप को झूठा करार दिया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर उचित सुविधाएं हम मुहैया करवाने में जुटे हैं। हालांकि बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि अभी तक ना ही पीने के लिए पानी और ना ही रहने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। बाढ़ पीड़ितों की मांग है कि उन्हें ऊंची जगह पर शरण दी जाए और जो उचित सुविधाएं हैं जैसे चलंत शौचालय, पीने के लिए पानी और सर ढकने के लिए टेंट की व्यवस्था की जाए। हमरा परेशानी यही है भैया कि कनु ऊंचा स्थान देते है। अभी 15 दिन से अभी यहाँ रह रहे छे, एक भी नहीं करके अनाज नहीं, एक भी व्यवस्था नहीं, पानी के नहीं, शौचालय के कुछ के व्यवस्था नहीं, कुछ के नहीं, नाव के सारा सामान भस गए, कपड़ा लता भी भस गए, भींज गए, जो छे वो राती बारिश में भींज गए। कुछ नहीं सीओ साहब, कुछ नहीं सीओ साहब, दूसरा सीओ साहब था ना तो उसको हम बिना बोलने से उस हमको सब चीज के सारा व्यवस्था करता। इस कारण से हम निकल के कुछ व्यवस्था के लिए हम निकल के जान कुछ राहत के खातिर ये कहना उचित नहीं होगा कि कुछ भी सुविधा इनको नहीं दी गई है। 3 दिनों में बिजली का कनेक्शन जोड़ दिया गया है, हैंडपंप की मरम्मत करा दी गई है, वो अभी चालू अवस्था में है, पानी का टैंकर भी आ रहा है, किस कारण से आज नहीं आ पाए एक बार पता कर लेते हैं हम। और शौचालय के लिए च्वलन शौचालय जो MCT की तरफ से आता है, नगर निगम की तरफ से वो आता है और PHD के द्वारा और अस्थायी शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, वो भी प्रक्रिया में है। बाकी इनका जो और कहीं का कहना है कि जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उसको जल्दी ही उपलब्ध करा देने का। पीड़ितों द्वारा कॉल किया गया था मैम, उनमें इल्जाम लगाया गया है कि आपका कहना है कि पिकनिक मनाने ये लोग यहाँ पर आते हैं। गलत बात है, ये हमने कभी नहीं कहा है। एक बार बताएं किसने कहा है, बताएं किसको हमने ऐसी बात कही है, हमने ऐसा नहीं कहा है। बातों पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आ रहा है 4 दिन 10 दिन से ये लोग यहाँ पर है। लाइट जल रहा है, एक बार पता कर लीजिए आप। जल रहा है, जब बिजली नहीं होगा, बारिश का टाइम होगा, बिजली कट गया होगा तब नहीं जल रहा होगा, ऐसे जल रहा है। भागलपुर के साह मार्केट में लगी भीषण आग। भागलपुर का साह मार्केट व्यापार के लिए हब माना जाता है, चाहे वो मिशनरी सामान हो या कपड़े। गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। बताते चले कि भागलपुर के साह मार्केट गली में पेनासोनिक दुकान व गोदाम में भीषण आग लग जाने से काफी अफरातफरी मच गई। दुकान संचालक मोहम्मद इब्रार ने बताया कि अनुमान लगाया जा रहा है कि यह शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लगी। वहीं आनन फानन में पेनासोनिक दुकान के संचालक द्वारा अग्निशमन को सूचना दी गई। जब तक अग्निशमन वाले आते तब तक आग अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अग्निशमन सेवा के आने के बाद आग बुझाने की प्रक्रिया में लग गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताते चले कि आग अनुमानतः करीब 9 बजे सुबह ही लगी थी, लेकिन लोगों को 10 बजे इसका पता चला था। वहीं इसमें पेनासोनिक के AC, कूलर, फ्रिज आदि सभी चीजें जलकर खाक हो गई। लाखों की क्षति बताई जा रही है। अग्निशमन वाले एवं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद तो आइए नवगछिया का सुंदरम। सुंदरम रेस्टोरेंट माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बाढ़ का कहर, रेलवे लाइन पर रह रहे हैं सोहरा के बाढ़ पीड़ित।
नवगछिया के रंगरा प्रखंड के सोहरा गांव के बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने रेल लाइन के बगल में शरण लिया है। बाढ़ पीड़ितों ने अस्थायी रूप से प्लास्टिक सीट टांग कर रह रहे हैं। पीड़ित कलानंद और राजा राम ने बताया कि यहां पर वे लोग करीब एक महीने से रह रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर से उन लोगों की कोई भी पदाधिकारी देखने तक नहीं आया। रेल लाइन के बगल में रहते हैं उन लोगों को पेयजल और शौचालय की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ज्यादातर लोग भूंजा या कुछ रूखा सूखा खा रहे हैं। जिन लोगों के घरों में अनाज है तो उसे बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है। पीड़ितों ने रंगरा सीओ से तत्काल राहत कार्य चलाने की व्यवस्था की मांग की है। सोहरा सरपंच नंदन यादव ने पदाधिकारी अगर जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई तो सड़क जाम करने की भी धमकी दी। इधर रंगरा के सीओ आशीष कुमार ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार की जा रही है, जल्द ही राहत कार्य चलाया जाएगा। जंगलों में बसलो छे, हमरा सने अनहारो में छे, सांप तांप सब आबे छे, बाल बच्चा कटे मरे छे, कुछ नहीं हमरा सने मिले छे, कोई नहीं आबे छे हमरा सने गरीबों के देखे ले, टूवेल उवेल कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं छे हमरा सने। कते दिन पहले से छे यहाँ? एक महीना से। एक महीना में अभी तक अपना पन्नियों चूरा शक्कर कुछ मिला है? कुछ नहीं मिली रहलो छे हमरा सने, केना बाल बच्चा लेके लेनी पर खेपे छे, नहीं खेपे छे, खोपड़ी बना कर रहे छे, नहीं पन्नी तो नहीं खाना, नहीं राशन, नहीं टूवेल, कुछ नहीं मिली रहलो छे, केना बाल बच्चा लेके हमरा सने खेपे दुनिया। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। कौन सा गांव है ये? सहरा गद्दी। कब डूब गया है? कब से डूबा हुआ? एक महीना हो गया डूबा। क्या क्या मिला सरकारी? कुछ नहीं मिला है सरकारी। क्या कुछ यहाँ पे किस तरह का जिंदगी अभी आप लोग जी रहे हैं डूबने के बाद? किना जी छे नहीं देखा छो, पटरी बगल में रहे छे, हरदम दुर्घटना हो छे, बकरी छकरी पोस इन्ने माटी कटी गले, बाल बच्चा हरदम पटरी पे जा छे, किना रहे छे हरदम मौतो कथी में रहे छे। सीओ साहब कुछ नहीं दलका? कुछ न दलका, खाली कछ हमरा जितावो ना, सब कुछ मिलतो, मिले छे कुछ न, एकटा कोल भी न दे जैसे पानी पिए क, दूसरा कोला पे खद्दा पानी पिए छे, बाल बच्चा बीमारी समारी सब हो छे, कोई न कुछ दे छे, मुखिया सरपंच कोई न, कोई न दे छे, कोई न कुछ दे छे। के नाम छे? दीप नारायण। कते दिन पहले घर डूबी गले? एक महीना। कोई सुविधा मिले सरकारी? कोई सुविधा ना, कोई सुविधा ना मिल रहा है? कोई सुविधा आप लोग को अभी तक नहीं मिला है? ना ना, अभी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है हमरा से, नहीं मुखिया जी आबिर लो छे, नहीं आरु कोई आबिर लो, सीओ साहब वो नहीं आबिर लो छे यहाँ के हमरा से, इनका देखे लो जंगल में बजलो छे, नहीं तो बिजली छे, नहीं तो आरु कुछ छे, कोनो सहयोग हमरा से मिलना चाहिए लेकिन कोई सहयोग नहीं दे रहा है। सीओ वीडियो कोई मिले नहीं आया? कोई नहीं आबिर लो छे, कोई नहीं आबिर लो छे देखे लो हमरा से। खाना पीना किस तरह होता है अभी? बड़ा दिक्कत से चल रहा है सरकार, एकदम दिक्कत से चल रहा है, ऊपर से बरसात है, नीचा भी पानी है, ये जंगल में बसलो छे, रेलवे खंतान छे, सांप ढोर सब घुसे छे। एक महीना हो गया अभी तक किसी तरह का कोई सुविधा आपको नहीं मिला है? नहीं नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा। क्या नाम है आपका? सुरेश हारी। के नाम छे अपना के? देवी। कते दिन पहले घर डूबी गया अपना के? एक महीना से बेसी, एक दो चार दिन हो गए, यहाँ कथु ठिकाना छे, सरकार के सब पब्लिक मर जाएगा। क्या 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 तकलीफ हो रहा है अभी यहाँ जोड़ा रहे? न बिजली बत्ती, नहीं पानी पीने के, नहीं पैखाना के, नहीं खाने के, नहीं पीने के, नहीं पन्नी तो नहीं, कुछ के व्यवस्था है, लोग पब्लिक मर रहा है। सीओ वीडियो कुछ नहीं मदद, कुछ नहीं बना रहा है, पन्नी उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। खाना पीना किस तरह आपका चलता है अभी? एक सम खा छी, दो समन है बीत रहल छे, बाल बच्चा बना के दिक्कत छी, कहां पर रहेगा, पटरी पर रहेगा, मर जाएगा, कट जाएगा, कौन काम देगा, सरकार कथी ले बनाया, मरिए जाएगा तो पब्लिक, बाल बच्चा सब मरिए जाएगा, डूबिए जाएगा, भसिए जाएगा। तो आपका? नंदन यादव। किस पद पे हैं अभी आप? सरपंच प्रतिनिधि। तो अभी चारों तरफ जो है सौरा में पानी से घिरा हुआ, क्या मदद कर रहे हैं ग्रामीणों को? मैं सीओ साहब को लेटर पेट पे सरपंच से लिखवाए हैं, तत्काल हम चाहते हैं हमारे जनता को बाथरूम, तिरपाल, ट्यूबवेल, भोजन का शिविर चले, ये चार चार चीज का ज्यादा आवश्यकता है, और
मेरा जनता जो भी है ट्रेन के बगल में गुजरा करता है, उस सांप कीड़ा से मतलब कितना परेशानी उनको हो रहा है। सर से आग्रह करेंगे कुछ उसके लिए लाइट भी सुविधा, जैसे कुछ आदमी बीमार पड़ गया है, चिकित्सा सुविधा होना भी चाहिए उनके लिए। और हम तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं जो जिस पद पे हैं, उस सभी से आग्रह करते हैं जनता का मदद करें आगे बढ़ के। एक महीना बीतने को जा रहा है, अभी तक कुछ मिला नहीं है लोगों को? नहीं मिला, दुर्भाग्य का बात है, नहीं मिला है। तो इससे आगे हम क्या बोलेंगे? एक महीना के बाद आप आए हैं? हम घर पे नहीं थे, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए हम थोड़ा सा बाहर रहते थे जी। तो आज हम लेटर पेड पे सीओ साहब को लिख के देते हैं और आज के बाद आशा करते हैं कि एक दो दिन के अंदर जनता को जो भी लाभ मिलना चाहिए मिले। नवगछिया में सुंदरम स्वीट्स का भव्य उद्घाटन। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन चौक पर सुंदरम का तीसरा नया ब्रांड सुंदरम स्वीट्स का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में सुंदरम के संचालक सुरजीत सुंदरम द्वारा फीता काट कर एवं मिठाई खिलाकर उद्घाटन किया गया। मौके पर सुरजीत सुंदरम ने बताया कि उनके नए प्रतिष्ठान सुंदरम स्वीट्स नवगछिया क्षेत्र के लोगों को देश के कई स्वादिष्ट व लजीज मिठाई और नमकीन का स्वाद उपलब्ध कराएगी। सुंदरम स्वीट्स में शुद्ध देसी घी के बने एक से बढ़कर एक मिठाई, नमकीन सहित कई खाने पीने की सामग्री उपलब्ध है। सुरजीत सुंदरम ने बताया कि नवगछिया में सबसे पहले सुंदरम रेस्टोरेंट, सुंदरम फास्ट फूड के बाद सुंदरम स्वीट्स, तीनों यहां के जनता की सेवा के लिए तैयार है। वहीं उद्घाटन के मौके पर चंदन सिंह, उमंग राजगरिया, राजद नेता गुड्डू कुशवाहा, मनीष कुमार, पंकज कुमार सिंह, नीरज कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। आज के दिन नए तरीके से, नए रूप में ये सुंदरम स्वीट्स का ओपनिंग हुआ है और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मिठाई को सुंदरम के नए ब्रांच के बारे में। मैं पंकज कुमार यही राजेंद्र कॉलोनी का रहने वाला हूँ, जो कि दोस्त अपना खुला हुआ है स्वीट्स नगोचिया जीरो, क्या कहते हैं, नगोचिया स्टेशन रोड पे। बहुत अच्छा है, बेहतरीन कोई था नहीं एक ब्रांच को आगे बढ़ाने के लिए। तो आशा करता हूँ मिठाई शुद्ध घी का आइए खाइए। और आज करिए होगा, मैं वेबसाइट की ओर से आता हूँ और ये अच्छा फल है। मेरे बड़े भाई हैं सुंदरम के नाम से, आप लोग सब जान रहे हैं। तो अच्छा उनका ये सब अभी स्विच में आए हुए हैं, वो स्विच भी अच्छी अभी जस्ट मैं टेस्ट करके। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट्स से मुँह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन चौक नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के इस्माइलपुर में 1000 से अधिक घरों में घुसा बाढ़ का पानी। इस्माइलपुर जाह्नवी चौक रिंग बांध की स्थिति नाजुक। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड के करीब 1000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। तो दूसरी तरफ इस्माइलपुर अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि गुरुवार को दोपहर तक दोनों कार्यालय इस्माइलपुर से ही संचालित किया जा रहा था। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक पदाधिकारी के निर्देश पर SDRF द्वारा प्रशिक्षित करीब 20 लड़कों को बचाव दल में सक्रिय किया गया है। ये लड़के लोगों को नदी में डूबने से बचाएंगे। इस्माइलपुर के जिला परिषद विपिन कुमार मंडल ने कहा कि इस्माइलपुर जाह्नवी चौक तटबंध की स्थिति भी नाजुक है। अगर यह बांध क्षतिग्रस्त होता है तो इस्माइलपुर प्रखंड की 75,000 से अधिक आबादी प्रभावित होगी और नवगछिया के खगड़ा और जगतपुर पंचायत के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। इधर जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार ने कहा कि रिंग बांध को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सफलता विफलता प्रकृति के हाथ में है, लेकिन वे लोग बांध बचाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। बड़ा गंगा का जलस्तर नटिया जमींदारी बांध पर मंडरा रहा है खतरा। 2019 के बराबर हुआ जलस्तर, विभाग की बड़ी चौकसी, युद्ध स्तर पर हो रहा है कार्य। कोसी के बाद अब गंगा ने विकराल रूप करना प्रारंभ कर दिया है। जिस रफ्तार से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, यदि यही रफ्तार 2 से 3 दिन रही, पानी बांध के ऊपर से बहना प्रारंभ कर देगा। 1 मीटर यदि पानी और बढ़ता है तो कई गांव जलमग्न हो जाएंगे।
गुरुवार को बाढ़ नियंत्रण के जिला विभागाध्यक्ष ने नरकटिया जमींदारी बांध का मुआयना किया और दिशा निर्देश जारी किए। जगह जगह जियो बैग और अधिक से अधिक बैम्बू रोल करने को कहा गया। हालांकि बांध पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, पर बढ़ते जल स्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस बांध के कारण प्रखंड की एक बड़ी आबादी सुरक्षित है। 2019 में बांध गंगा के कटाव के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इसे पुनर्निर्माण किया गया। बांध में हर वर्ष लाखों का खर्च होता रहता है, परंतु इस बांध की समस्या के स्थायी निदान पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बांध को बोल्डर पीचिंग करने मांग वर्षों से ग्रामीणों के द्वारा की जाती रही है। विधायक, सांसद, मंत्री, पदाधिकारी, हर किसी को लिखित मौखिक हर प्रकार से जानकारी दी जाती रही, पर संतोषजनक कार्य कभी नहीं हुआ। कई मंत्रियों के बांध का दौरा भी हुआ और आश्वासन भी मिला, पर बांध टूटने के भय से आज भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। एसपी ने किया गोपालपुर व इस्माइलपुर के तटबंधों का निरीक्षण। तटबंध के संवेदनशील जगहों पर करें चौकीदार को प्रतिनियुक्त। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गुरुवार की दोपहर को गोपालपुर व इस्माइलपुर के तटबंधों का निरीक्षण किया। तिनटंगा करारी स्थित जहाज घाट व इस पर संख्या 9 का निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोपालपुर के थानाध्यक्ष को तटबंध की सुरक्षा हेतु संवेदनशील स्थानों पर चौकीदार तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने नाव के अवैध परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश थानाध्यक्ष को दिया। उन्होंने बताया कि बाढ़ की स्थिति को लेकर के तटबंध पर पुलिस की निगरानी के साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग रहे, इसको लेकर हमने तटबंध का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हमने नवनिर्मित तटबंध इस्माइलपुर से जहानवी चौक प्रतिबंध का भी जायजा लिया, जहाँ पर कुछ जगहों पर पानी का दबाव है, लेकिन उन स्थानों पर इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष को चौकीदार के साथ पुलिस बल की निगरानी करने को कहा है। तिनटंगा में गोलीबारी के मामले में एसपी सख्त, पुलिस केस को गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। बीती रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी में दो पक्षों में हुई गोलीबारी के आलोक में एसपी ने सख्ती बरतते हुए थानाध्यक्ष को पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर फायरिंग करने वालों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेकर के अगर अपराध करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में गोलीबारी के मामले में दोनों पर प्राथमिकी दर्ज हो, जिससे कि पुलिस का माहौल बना रहे। गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में घुसा बाढ़ का पानी, दर्जनों गांव का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग। गंगा नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के कारण गुरुवार की सुबह गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। प्रखंड व अंचल कार्यालय के पुराने भवन व अन्य स्थानों पर पानी चारों तरफ फैल गया। बाढ़ के कारण प्रखंड कृषि कार्यालय का ताला भी नहीं खुल सका। सैदपुर सुकटिया बाजार सड़क पर पानी बहने के कारण दियारा के दर्जन गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो गया। इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय सैदपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस व कौशल विकास केंद्र में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। सैदपुर के आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ का पानी प्रविष्ट हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि मंत्री से लेकर वरीय प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश के बावजूद ब्रह्मोत्तर बांध का निर्माण नहीं किए जाने और इस बार 3-4 दिन पूर्व ही फ्लड फाइटिंग के तहत बालू भरी बोरियां ब्रह्मोत्तर बांध पर 300-400 मीटर में दिलवाई गई होती तो शायद ऐसी स्थिति आज नहीं बनती। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने किया विभिन्न स्परों का निरीक्षण, दिए कई आवश्यक निर्देश। बाढ़ के दौरान विशेष रूप से प्रतिनियुक्त सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर सियाराम पासवान ने गुरुवार के दोपहर को इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच विभिन्न स्परों का निरीक्षण कर कनीय अभियंताओं को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के करीब पहुंच गया। फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूर्व में ध्वस्त हुए स्पर संख्या 5N1 के नोस के निरीक्षण के दौरान बताया कि आगे से कटाव निरोधी कार्य गंगा नदी की मुख्य धारा के बीच से करवाने पर मंथन विभाग भी चल रहा है, ताकि नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर भी बोल्डर वगैरह अपनी अपनी जगह पर रहें, ताकि नदी के वेग को कम कर सकें। उन्होंने स्परों पर चौकसी बरतने का निर्देश दिया। जलस्तर इस्माइलपुर बिंद टोली में गंगा नदी के जलस्तर में गुरुवार को भी भारी वृद्धि देखी गई। बुधवार को शाम को गंगा नदी का जलस्तर 32.73 मीटर था, गुरुवार की शाम को 17 सेंटीमीटर की वृद्धि के साथ 32.90 मीटर है। अब तक का उच्चतम जलस्तर 33.45 मीटर वर्ष 2016 का है। इस प्रकार उच्चतम जलस्तर से मात्र 55 सेंटीमीटर नीचे गंगा नदी बह रही है। तिनटंगा दियारा को एनएच से जोड़ने वाली सड़क बाढ़ से ध्वस्त, 3 पंचायतों के दर्जनों गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा।
रंगरा प्रखंड में इन दिनों गंगा और कोसी अपने तांडव पर है, जिससे प्रखंड क्षेत्र के कई सड़क बाढ़ की भेंट चढ़ गई। बीते बुधवार की रात तिनटंगा दियारा को राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे 3 पंचायतों के दर्जनों गांव पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार पंचायत के आजमाबाद पकड़ा, शेरमारी, मुकेड़ी, डुमरिया, चपरघट पंचायत के कालिंदी नगर, हरिजन टोला और तिनटंगा दियारा उत्तर पंचायत के भीमदास टोला, सिमरिया गांव के अलावा कई गांव बाढ़ की जद में आ गए, जबकि रंगरा प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ ने पूरी तबाही मचा कर रखी है, जिससे आम लोगों के बीच त्राहिमाम की स्थिति है। बहरहाल ये सड़क टूट जाने से आजमाबाद पकड़ा, शेरमारी, चाइंटोली, चापर दियारा गांव का प्रखंड मुख्यालय के अलावा आसपास के गांव से भी संपर्क भंग हो गया, लिहाजा ये सभी गाँव अब टापू में तब्दील हो गए हैं। आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा, कहा बाढ़ पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, करेंगे आंदोलन। आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने गुरुवार को रंगरा के बाढ़ प्रभावित गांव सदवा, चापर और कटरिया के बाढ़ पीड़ितों की सुध ली। श्री यादव ने इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की समस्या से अवगत हुए। देर शाम एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए श्री यादव ने कहा कि बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित करीब 10 दिनों से बाढ़ का सामना कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन एवं सरकार के द्वारा किसी भी तरह की सहायता नहीं दी गई है। बड़ी संख्या में पीड़ित कटरिया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भूखे प्यासे रह रहे हैं। मवेशियों को चारा तक उपलब्ध नहीं है। बीमार लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। राजेंद्र यादव ने कहा कि कटरिया स्टेशन पर पीड़ित ने उन्हें बताया कि आवागमन के लिए अब तक नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। राजेंद्र यादव ने सरकार एवं जिला प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत मुहैया करवाने और आवागमन के लिए यंत्र चलित नाव एवं मवेशियों के लिए तुरंत चारा उपलब्ध करवाने की मांग की है। श्री यादव ने कहा कि अगर बाढ़ पीड़ितों को इस तरह उपेक्षित रखा गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। नवगछिया, चापर दियारा से सिरमारी जाने वाली सड़क हुई ध्वस्त। चापर दियारा से चाय टोला जलमग्न, रंगरा 14 नंबर सड़क पर बढ़ सकता पानी का दबाव। गंगा कोसी नदी के जलस्तर के अत्यधिक दबाव के कारण रंगरा चौक प्रखंड के चापर दियारा से सिरमारी जाने वाली मुख्य सड़क गुरुवार को ध्वस्त हो गई। सड़क ध्वस्त होते ही चापर दियारा और चाय टोला गाँव के सभी घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। अब रंगरा 14 नंबर सड़क पर भी बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ जाने की आशंका है। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि जलस्तर का दबाव बढ़ने के साथ उन लोगों ने सड़क को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे लोग असफल रहे। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क ध्वस्त हो जाने से अब उन लोगों को आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चापर दियारा और चाय टोला के 500 से अधिक परिवार बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। स्थानीय युवक आशीष कुमार ने बताया कि पदाधिकारी की एक टीम ने स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुविधा पीड़ितों को मुहैया नहीं कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लंबे अरसे से वे लोग सड़क को ऊंचा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आज उन लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। सोहरा और कटरिया के बाढ़ पीड़ितों की स्थिति खस्ता हाल। कल से कटरिया और मदरोनी में किया जाएगा सामुदायिक रसोई का आयोजन। रंगरा चौक प्रखंड के सोहरा रेलवे लाइन और कटरिया के पास रह रहे बाढ़ पीड़ित की स्थिति खस्ता हाल है। 10 दिनों के बाद बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। सोहरा के सरपंच प्रतिनिधि नंदन यादव ने कहा कि पेयजल और शौचालय उन लोगों के लिए बड़ी समस्या है, तो दूसरी तरफ अधिकांश लोगों के घरों में अनाज की व्यवस्था नहीं है। रेलवे लाइन के पास रहने से रात में उन लोगों के घरों में जहरीले सांप आ जाते हैं। वर्षा होने पर उन लोगों को सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिल पाता है। ग्रामीण विभाग प्रसाद सिंह, सरपंच प्रतिनिधि नंदन यादव, राजा राम सिंह ने प्रशासनिक पदाधिकारी से समुचित राहत कार्य चलाने की अपील की है। इधर रंगरा के सीओ आशीष कुमार ने कहा कि शुक्रवार से प्रखंड क्षेत्र के 2 जगहों मदरोनी और कटरिया रेलवे स्टेशन पर सामुदायिक रसोई संचालित किया जाएगा, जिसमें सुबह शाम दाल, चावल और सब्जी बनवाया जाएगा। यह किचन प्रशासनिक स्तर से संचालित किया जाएगा। भाकपा माले ने शुरू किया पुस्तकालय बचाओ अभियान। नौगछिया के चैती दुर्गा मंदिर परिसर स्थित शहीद मुंशी साहब पुस्तकालय में भाकपा माले के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुस्तकालय बचाना है और बिहार को शिक्षित बनाना है नारे के साथ पुस्तकालय बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया। मौके पर कॉमरेड बिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि आजादी की लड़ाई में शहीद हुए मुंशी शाह के नाम से बने नौगछिया में एकमात्र पुस्तकालय भवन की हालत बद से बदतर स्थिति में है। जो पुस्तकालय प्रतिदिन खुलनी चाहिए वह वर्ष में एक सप्ताह भी नहीं खुल पाता है। मौके पर इंकलाबी नौजवान सभा के गौरी शंकर राय ने कहा कि भागलपुर जिले के सभी बंद पड़े पुस्तकालयों को फिर से चालू कराने के लिए आंदोलन को तेज किया जाएगा।
वहीं मौके पर कॉमरेड बिंदेश्वरी मंडल, इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सचिव गौरी शंकर राय, राधेश्याम रजक, गौतम कुमार, सज्जन कुमार, किसान कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया में 15 जगहों पर एक साथ 1290 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। नवगछिया में 15 जगहों पर एक साथ शिविर लगाकर गुरुवार को कुल 1290 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण ने बताया कि शुक्रवार को इंटर हाई स्कूल कदुआ दियारा, ढोलवजा, साहू पर्वत्ता, गरैया, पकड़ा, खैरपुर, कदुआ और जमुनिया में कुल मिलाकर 7 जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। शुक्रवार को भी वृहद स्तर से टीकाकरण किए जाने की योजना है। महादलित युवक हत्याकांड की 6 पर प्राथमिकी दर्ज। प्रखंड के लत्तीपुर वार्ड नंबर 13 निवासी महादलित युवक प्रीतम ऋषिदेव की हत्या मामले में प्राथमिकी पिता इंद्रदेव ऋषिदेव के लिखित आवेदन पर दर्ज कर ली गई, जिसमें गांव के ही 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। अपने आरोप में बताया कि उपरोक्त नामजदों ने 5 दिन पूर्व घर पर आकर धमकी दी गई थी कि पूर्व में कराई गई मुकदमे में मेल जोल कर लो, नहीं तो तुम्हारे बेटे की हत्या कर लाश गायब कर देंगे। उसके बाद 10 अगस्त की रात लगभग 1 बजे उपरोक्त नामजदों के द्वारा मेरे पुत्र प्रीतम कुमार को स्कूल की छत से उठाकर घर से कुछ दूर पश्चिम एक बगीचे में ले जाकर उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी। जब 11 अगस्त की सुबह मेरी पत्नी सरिता देवी घास लेने बहियार जा रही थी तो वो बेटे की लाश देखी बेहोश हो गई। बीरपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।